हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, हेटेरोटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम नेक्स्ट आगे टॉपिक बढ़ेंगे, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो टुडे वी विल स्टार्ट योर फर्स्ट इज योर इंडक्टिव इफेक्ट्स। देखिए, लेट अस कंसीडर, दिस इज एन एल्केन। Here, electronegativity of carbon and hydrogen, that is nearly same. Carbon की यदि आप electronegativity देखें बच्चों, that is 2.3 and hydrogen is, that is your 2.1. ये electronegativity value है। अब polar और non-polar bond हमें पता है कि polar bond क्या है। जब electronegativity difference हो तो एक atom electron अपनी तरफ attract कर लेगा दूसरे की अपेक्षा, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था क्या, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, अब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग वैल्यू आपकी सेम है, तो हम क्या मानते हैं बेटा कि ये जो बॉन्ड है वो आपका ऑलमोस्ट, क्या मान रहे हैं हम इसको, दिस इज योर नॉन पोलर बॉन्ड। ओके, नाउ we will replace this H by any another atom. Say this is your X. If this X is what? More electronegative than carbon. यदि ये electronegative ज्यादा हो किससे, carbon से, तो what will happen? It will attract electron towards itself and this X that will carry partially negative charge and carbon that will carry partially positive charge. Now this bond that will become polar. तो ये bond का polar होना ये क्या कहला रहा है आपका, inductive effect कहला रहा है। Now at this carbon सबसे ज्यादा जो electron attract करेगा ये X, वो इस carbon के करेगा। Therefore यहां पर positive charge सबसे ज्यादा होगा as compared to this carbon, यहां पर कम हो जाएगा बच्चों, यहां पर और कम। दैट इज सिंपली आई वॉन्ट टू से वॉट कि पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू है अलोंग द कार्बन चेन वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ओके, ऐसे ही आपका यदि हम इस वाई को या इस एक्स को हम किसी दूसरे एटम से रिप्लेस करा देते हैं, जैसे कि ये वाई मान लिया मैंने, अब y को मैंने ये मान लिया बच्चों कि ये y जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यूं कह लीजिए कि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, अब ये कार्बन y से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो y पर पार्शियली पॉजिटिव, हियर नेगेटिव, ऐसे ही यहां कम नेगेटिव, हियर और कम नेगेटिव, यानी नेगेटिव चार्ज यहां भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज। ओके, तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का अलोंग द कार्बन चेन व्हेन देयर इज प्रेजेंट व्हाट, अ पोलर बॉन्ड एट द एंड ऑफ कार्बन चेन, दैट इज कॉल्ड इज योर इंडक्टिव इफेक्ट, या हम कई बार इसको ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोल देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसमिशन इफेक्ट बोल देते हैं। नाउ बेस्ड अपॉन, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एक्स एंड वाई, this effect is of two types. First, that is your, if X is more electronegative, it is called minus I effect or minus inductive effect. If carbon is more electronegative, then it is called plus I effect or plus inductive effect. So simple sa fundamenta kya, yadi end mein aapka polar bond hai, polar bond depend karega iski nature par, yadi X jyada electronegative hai तो यहां पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, इन कार्बन पर पॉजिटिव। यदि y कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। एक बात आपको क्या समझनी है, जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट एवर जो कार्बन है जो इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, उसी पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव आएगा या सबसे ज्यादा नेगेटिव आएगा, ये बात आपको समझनी है। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज along the chain या negative charge along the chain वो बेटे decrease होता जाएगा, clear है, चलिए आगे।
तो इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, एक है आपका माइनस आई इफेक्ट और एक है आपका प्लस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जो एंड में जो ग्रुप जुड़ गया एक्स या वाई जो आप भी बोल रहे हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी चार्ज सेपरेशन उतना ही ज्यादा आ जाएगा। क्लियर है ना, ऑर्डर है बच्चों आपका माइनस आई इफेक्ट का जो ग्रुप शो करते हैं आप नोट कर लेना, मैं यहां सारा बोर्ड उतार रहा हूं। सी एस टू पॉजिटिव, दिस इज ओ एस टू पॉजिटिव एंड आर थ्री पॉजिटिव एन एस थ्री पॉजिटिव एनओ टू सी एन एसओ थ्री एच, दिस इज योर एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, फ्लोरीन, एसिड क्लोराइड एंड दिस इज योर एस्टर, एसिड अमाइड, दिस इज सी एल बी आर आई ओ सी एस थ्री एल जीथर एंड ओ एच एन एस टू ग्रुप एन एच आर एन आर टू साइक्लिक इथर योर एल्काइन ग्रुप एंड योर फिनाइल एंड देन एल्कीन, फिर बेटा ड्यूटेरियम और फाइनली आपका हाइड्रोजनेट। तो ये आपका ऑर्डर है किसका, माइनस आई इफेक्ट जो ग्रुप शो करेंगे। ओके चलिए आगे, नेक्स्ट सेकंड इफेक्ट आपका आया प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में जैसे कि हमने बताया कि जो कार्बन जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, या यूं कह लीजिए कि जो ग्रुप लास्ट में जुड़ा है उसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन देने की, ठीक है ना, जैसे ओ नेगेटिव है। अब इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ऑक्सीजन लेगा नहीं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो ये आपका क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये ध्यान रखना है। मान लीजिए यहां पर ऑक्सीजन की जगह लिथियम जोड़ दिया, सिलिकन जोड़ दिया, या एमजीएक्स जोड़ दिया, या आर जोड़ दिया, ये कार्बन के साथ जोड़ रखे हैं, ठीक है। अब कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन लिथियम देन सिलिकॉन देन मैग्नीशियम। नाउ आर इज व्हाट, आर जो है बच्चों ये आपका एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप भी क्या शो करते हैं, दे विल शो प्लस आई इफेक्ट। ओके ऑर्डर जो इनका रहेगा प्लस आई इफेक्ट का वो क्या रहेगा, देखिए That is minus, CS2 negative, NH negative, O negative, COO negative, and this is your tertiary alkyl group. Then bete your tertiary, secondary alkyl group, and this primary and फिर मिथाइल ग्रुप देन डी एंड देन एच। तो दिस इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ योर व्हाट, प्लस आई इफेक्ट। अभी हम यहां पर सिर्फ इनकी डेफिनेशन करेंगे या वो ग्रुप जिन ऑर्डर है जिनका वही हम बताएंगे, एप्लीकेशंस इनकी आगे नेक्स्ट जो लेक्चर रहेंगे अपने कार्बेटेन कार्बेनाइन वहां हम करेंगे। मेन पॉइंट्स क्या है इंडक्टिव इफेक्ट के, सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों मेन पॉइंट देख लीजिए, हेयर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस नॉट पाई, इट मींस व्हाट, सैचुरेटेड सिस्टम में होगा ये, अनसैचुरेटेड में नहीं होगा, ठीक है। सेकंड, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट एंड कैन नॉट रिवर्स्ड, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, कहने का मतलब
मैंने आपको ये दे दिया कि 1 करोड़ प्रोपेन, तो हम क्या कहेंगे इसमें कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट है। क्यों है? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो माइनस आई इफेक्ट है, तो ये परमानेंट इफेक्ट। हमने क्लोरीन इसके अंदर ऐड नहीं की, ये 1 करोड़ प्रोपेन अपना क्या है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल ले लिया हमने। ठीक है, चलो थर्ड इज, अभी जैसे हमने बताया कि डिक्रीज अलोंग द कार्बन चेन एंड आफ्टर थर्ड कार्बन एटम, आफ्टर थर्ड कार्बन इस इफेक्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं रहता, इंडक्टिव इफेक्ट आपका खत्म हो जाता है, निल। ओके चलिए फोर्थ पॉइंट, यहां पर मेन पॉइंट क्या है बच्चों, कि यहां स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा, फुल्ली पॉजिटिव या फुल्ली नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने सेम ऑर्बिटल में ही रहते हैं, वो अपना ऑर्बिटल छोड़ नहीं रहे हैं। यदि वो शेल से या आउटरमोस्ट शेल से बाहर निकल जाते हैं तो तब चार्ज किया जाता है फुल्ली पॉजिटिव और फुल्ली नेगेटिव। भाई एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो ट्रांसफरेंस के दौरान आता है चार्ज। यहां क्या लिखा हमने, आइदर पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव, इस पॉइंट का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए यहां पर नो एक्स्ट्रा अटैकिंग रिएजेंट इज रिक्वायर्ड, बाहर से हमने कोई अटैकिंग रिएजेंट नहीं डाला है, ये मॉलिक्यूल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। दैट इज व्हाट, क्या लिखा हमने, दिस इज योर इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ओके सिक्स्थ पॉइंट, इट इज अ एडिटिव इफेक्ट, ये पॉइंट हम आपको बाद में समझाएंगे। तो ये मेन पॉइंट, अब आप पहले इंडक्टिव इफेक्ट, सिर्फ आज हमने एक डेफिनेशन है क्या होता है, वास्ट टॉपिक है बच्चों, कहीं बहुत जगह काम आएगा, पूरी ऑर्गेनिक में आपका इंडक्टिव इफेक्ट काम आना है, तो आगे बढ़ते जाएंगे और जहां जहां इसकी एप्लीकेशन आती जाएंगी मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। ठीक है, चलिए जैसे ही कहां आता है काम आपका, स्टेबिलिटी बताते हैं कार्बोकैटायंस की, कार्बेनायंस की। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट और क्या बताएंगे, एसिडिक करेक्टर में काम आएगा ये आपका, बेसिक करेक्टर में काम आएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट वहां काम आता है बताने में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कंपेयर करने में भी काम आएगा। तो पढ़ते चलेंगे आगे आगे, तो इसकी एप्लीकेशन आपकी वहां आती रहेंगी। ठीक है, आज सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट का और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का। तो नेक्स्ट इफेक्ट है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, देखिए बच्चों इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहां होगा, देखिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में आपका क्या हुआ था, मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। यहां क्या होगा, वहां स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट हुआ था, यहां क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर, ट्रांसफरेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, या पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस होगा, वहां सिग्मा था यहां पाई है। इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अटैकिंग रिएजेंट, यहां हमें अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी बच्चों, बिना इसके ये इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, तो कहां होगा ये, अनसैचुरेटेड सिस्टम में, लाइक एल्कीन में, एल्काइन में, एल्डिहाइड में हो जाएगा, कीटोन में, ठीक है, साइनाइड एटसेट्रा, तो वहां ये इफेक्ट आपका ऑपरेट होगा। तो ये जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म को समझने के लिए यूज होगा। ठीक है, चलिए, इट इज ऑल्सो ऑफ योर टू टाइप्स, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वो आपका दो टाइप का है। फर्स्ट इज योर प्लस ई इफेक्ट,
एक और ध्यान रखेंगे बच्चों, जैसे मैंने बताया कि ये अटैकिंग रिजेंट की प्रेजेंस में हो रहा है, यदि आपने अटैकिंग रिजेंट निकाल लिया वापस, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से गए थे, यानी ये आपका एक टेम्परेरी इफेक्ट है बट मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट, ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। प्लस ई इफेक्ट कहां होगा, इट विल ऑपरेट इन एल्कीन एंड एल्काइन एंड इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या यूं समझ लीजिए कि हम एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म भी पढ़ सकते हैं। कैसे, लेट अस एक्सप्लेन दिस प्लस ई इफेक्ट बाय दिस एग्जांपल। देखिए बच्चों, यहां HCl पर क्या क्या है, हमारे पास H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एंड हेयर देयर इज प्रेजेंट पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों, ये लूजली हेल्ड होते हैं, ये इजिली अवेलेबल होते हैं रिएक्शन के लिए एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, ये पॉइंट याद रखो। नाउ ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली कहां अटैक करेंगे, H पॉजिटिव पर, A नेगेटिव पर तो अटैक नहीं करेंगे बिकॉज यहां पर क्या होगी, रिपल्शन। तो ऑब्वियसली फर्स्टली कहां अटैक होगा इन इलेक्ट्रॉन्स का, एच पॉजिटिव के पास। तो क्या हो जाएगा, देखिए अब फिर आपको वही चीज समझ नहीं है जो मैंने कल आपका इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल केस में समझाया था कि इस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव क्यों आया। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का था, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, वो लेके इलेक्ट्रॉन दे किसको दिया हमने, इसे हाइड्रोजन, दोनों इलेक्ट्रॉन कहां यूज हो गए, अब हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो गए, क्लियर है। अब इस पर चार्ज किया गया पॉजिटिव, मैंने कल भी बताया था आपको कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है लेवल स्ट्रक्चर में, कितने इलेक्ट्रॉन है स्ट्रक्चर के अंदर, 3, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 क्या है कम, तो चार्ज किया गया पॉजिटिव, ओके। अब यहां पर कौन अटैक कर देगा, Cl नेगेटिव, और ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो बड़ा आसान है बच्चों, तो प्लस E इफेक्ट में होगा क्या कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये टुवर्ड्स कहां जाएंगे, अटैकिंग रिएजेंट की तरफ जाएंगे। भाई ये अपना क्या था बच्चों, अटैकिंग रिएजेंट, ये क्या था अपना सब्ट्रेट, तो सब्ट्रेट से कहां जा रहे हैं, अटैकिंग रिएजेंट की तरफ जाएंगे, किसके अंदर, प्लस ई इफेक्ट के अंदर, ओके। चलिए नेक्स्ट इफेक्ट है आपका माइनस ई इफेक्ट, और माइनस ई इफेक्ट जनरली कहां होता है आपका, माइनस ई, ये आपका एल्डिहाइड में है, ये बच्चों कीटोन में भी होता है, साइनाइड्स में भी है। हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस माइनस ई इफेक्ट बाय टेकिंग एग्जांपल लाइक दिस। ये एग्जांपल एक हमने लिया है बच्चों, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अब कार्बन पर चार्ज क्या है, पार्शली पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन पर पार्शली नेगेटिव है, ठीक है। व्हाट विल हैपन राइट नाउ, अब ये मेरे पास ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज कहां अटैक करेगा, इस पार्शली पॉजिटिव पर। कल मैंने आपको बताया भी था बच्चों, ये अब आपका कौन सा सेंटर बन गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, बिकॉज दिस कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या काम करेगा, देखो कार्बन तो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है ना, 4 तो बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 4 बॉन्ड तो बन गए आपके, पर पांचवा नहीं बन सकता। अब क्या होगा बच्चों बताओ, कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। फिर वही ध्यान देना है, ये एक इलेक्ट्रॉन तो इसी ऑक्सीजन का है, सिर्फ ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था ये कहां चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर, क्लियर है। तो ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस कार्बन की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, साइनाइड अपने के पास जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था वो इसने इसको दे दिया, तो इसकी कमी पूरी हो गई, तो कार्बन पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे,
हम इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, आर गेटिंग दिस? ओके नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, क्या बचा हुआ है? एच पॉजिटिव, तो टेक कराओ एंड सो दिस इज योर प्रोडक्ट। तो ये एग्जांपल था आपका माइनस ई इफेक्ट का। ओके तो बेटे आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आज हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, सिर्फ मैंने आज आपको बस ये बताया है कि होता क्या है, इसकी एप्लीकेशंस आगे आते जाएंगे, जहां जहां इसकी एप्लीकेशंस आएंगे बेटा वहां वो टॉपिक हमने अभी नहीं पढ़े हैं, इसलिए आज मैंने सिर्फ इस टॉपिक की आपको इंट्रोडक्शन बताई कि होता क्या है और कौन से ग्रुप शो करते हैं या ऑर्डर क्या है। एंड और हमने क्या पढ़ा आज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। कल का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज योर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।